बीएड के एस्पिरेंट्स जो बीएड करना चाहते हैं लेकिन कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जो कंडक्ट किया है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके किसी भी वजह से, वो भी सीट्स ले सकते हैं। ये पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ कि टोटल जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ओनली प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज नहीं, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो उनके पास 13% सीट्स जो होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा की होती हैं। तो वो 13% सीट्स नॉर्मली अगर 18,000 के करीब सीट्स प्राइवेट कॉलेज के पास है तो लगभग 2,000 डेढ़ 2,000 के करीब ये सीट्स हैं। इट मीन्स ना लार्ज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है नहीं दिया है, तो उनके लिए नॉर्मली ये बेशक मैनेजमेंट और आपके बीच में बार्गेनिंग होती है कि एक्स्ट्रा फीस कितनी लेनी है, नॉर्मल फीस से एक्स्ट्रा फीस, वो आपकी बात होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटी है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब भी करवानी होगी। सीधा जो इसका आंसर ये है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 2,600 और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 1,300 देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। और वो भी अगर आप कॉलेज में बात कर भी चुके हैं, ये बात समझ लीजिए ऑलरेडी आप सीट ले चुके हैं, आप बार्गेनिंग कर चुके हैं, मैनेजमेंट कोटा में फीस जमा करवा चुके हैं, फिर भी कॉलेज जहां आपका ये फर्ज है कि आपने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है, पंजाब BEdAdmission.GNDU.ac.in पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मैनेजमेंट कोटा यहाँ पर क्लिक करना है। और सिंपल है, जो पहले फॉर्म फिल किया था वैसे ही है, यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगा। कैंडिडेट का नाम आपने जो 10th में है, जो आपके सर्टिफिकेट्स में चलता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर मेल फीमेल चूज करना है। नोट, कैंडिडेट इज एडवाइज टू फिल हिज और हर पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एज द सेम इज टू बी यूज फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। जो पीछे हम जब फॉर्म फिल करके आए थे शुरू में, वही है सब कुछ। आपने मोबाइल ओपन रखना है, उसमें मैसेज ओटीपी आना है, ओटीपी इमीडिएट फिल करना पड़ता है, ऐसे ही ईमेल आपने फिल करनी है, आपने ईमेल अकाउंट भी फिल करना है, वहां पर भी ओटीपी आएगा और आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहाँ क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। आज 7 तारीख है, 8 कल से ये शुरू है इसकी डेट है। ओके, आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे और उसको कंफर्म करोगे कि आपके मोबाइल पर जो आपने यहां रजिस्टर करोगे वो यहां पर आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आप यहां फिल कर दोगे। ऐसे ही ईमेल आईडी फिल करोगे, वही ईमेल आईडी पर ही ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहां पर फिल कर दोगे। पासवर्ड अपना रखोगे, पासवर्ड में 8 कैरेक्टर चाहिए, मिनिमम 1 डिजिट भी चाहिए और एक जो हैश एट द रेट ऑफ ऐसा कुछ भी है ना वर्ड है वो चाहिए और एक कैपिटल लेटर जरूर चाहिए। तो ये वीडियो पिछले में उसका लिंक नीचे दे दूंगा, उसमें से आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, बाकी सब कुछ चीज सेम होगी। अगर नहीं पता चले तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, कल क्योंकि ये स्टार्ट हो जाना है फिर उस पर भी ये वीडियो बना दूंगा। डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पंजाब बीएड एडमिशन 2023 मैनेजमेंट कोटा आर वर फ्रॉम 8th सितंबर से लेके 14th सितंबर तक है। सो इस प्रोसीजर के गुजरने के बाद आपकी सिर्फ एक्स्ट्रा फीस जो कॉलेज में लगनी है प्राइवेट कॉलेज में, वो आपका पर्सनल मामला होगा, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है, वो मेरिट वाइज होती है नॉर्मली, लेकिन वहाँ पैसे जिसके ज़्यादा हैं वो खरीद सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है, कुछ भी इलीगल नहीं है। दैट इज़ वाई अगर आपने सीट नहीं लेनी, अपना कोई नोन है वो चाहता था बीएड करना तो उसने टेस्ट नहीं था दिया, आप उसको मैसेज भेज सकते हो, ज़रूरी नहीं मेरा वीडियो भेजना है, अब मैसेज दे दो कि मैनेजमेंट कोटा इस साइट पर है, जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो और जो रेलेवेंट नज़दीक का अच्छा कॉलेज आपने चूज़ किया है ना तो उसको चूज़ कर लो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज ए लार्ज नंबर ऑफ वीडियो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऊपर पड़े हैं। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जहाँ आपकी क्लास जैसे BSc इकोनॉमिक्स पर, BSc कंप्यूटर साइंस है ना, जो मैथ्स एंड कोई और सब्जेक्ट है, साइंस है, BSc मेडिकल है, BSc नॉन मेडिकल है, BCom है, BTech है,
है ना, होम साइंस के साथ है, कोई भी आपका ऐसा बीबीए है, वो सारे वीडियोस बने पड़े हैं, साथ में डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुलाइज फिल कीजिए, आपको मोस्ट प्रोबेबली दो दो चार चार वीडियोस पर मिल जाएंगे। उसको समझ के मेजर और माइनर सब्जेक्ट को समझ के फिर ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली जाना किस तरफ है, मेजर और माइनर सब्जेक्ट को क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने जॉब के लिए जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर नहीं जाना है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, ऑर्नामेंटल डिग्री लेनी है फिर कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है फिर आपको टीईटी की साथ में तैयारी करनी पड़ेगी, टीईटी की साथ में तैयारी शुरू कर रहे हैं, थोड़े थोड़े वीडियो में डाल रहा हूँ, और साथ में ये सिलेबस जो आपका है बीएड का वो भी आपके घर बैठे साथ साथ में करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन दे सकते हो, ऑड क्वेश्चन दे सकते हो, 10 ईयर के क्वेश्चन दे सकते हो, किसको कैसे अटेम्प्ट करना है, याद कैसे करना है, मार्क्स कैसे लेने हैं, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू।